देखे हर चाची देखे हर दादा देखे हर दादी देखे हर नाना देखे नानी देखे भैया देखे भाभी देखे और देखे दूल्हा दुल्हनिया घुंगड़े की दुनिया घुंगड़े की दुनिया घुंगड़े की दुनिया घुंगड़े की दुनिया। दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है आरआरसी डिजिटल प्रस्तुत घुंगड़े की दुनिया कॉमेडी का छोटा रिचार्ज में। दोस्तों बातों बातों में हम एक बात हमेशा कहते हैं कि वक्त बदलता रहता है, वक्त वक्त की बात है, हर चीज का एक वक्त होता है। सही मायने में बोलो तो ये बातें काफी सही होती है। अब यही देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। दोस्तों एक जमाना था जब हम बातें करते थे अपनी गाय भैंसों की कि मेरी गाय इतना लीटर दूध देती है, मेरी भैंस इतना लीटर दूध देती है, तेरी गाय कितना लीटर दूध देती है, मेरी भैंस इतना लीटर दूध देती है। मैंने कहा था कि जैसा लोग कहते हैं वक्त बदलता रहता है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त बदला है, आज बातें वही है, लेकिन किस स्वरूप में देखिए। आज हम बात करते हैं कि तेरे मोबाइल का नेटवर्क कितना डाटा देता है, मेरे मोबाइल का नेटवर्क कितना डाटा देता है। पहले भैंसों के दूध की बात करते थे, आज हम डाटा की बात करते हैं। पहले कहते थे यार तुम तुम्हारे गाय भैंस को क्या खिलाते हो, चारा खिलाते हो या पशु आहार खिलाते हो। आज हम बात करते हैं कि यार तूने कौन सा रिचार्ज मारा, तेरा प्रीपेड है या तेरा पोस्ट पेड है, या तूने 400 का रिचार्ज मारा या 150 का मारा। बातें बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन वक्त भी बदला है और बातें इस तरह से बदली हुई है। दोस्तों दूसरा ऐसा होता है, गरीबी की परिभाषा बदल गई है। आज हम उसे गरीब नहीं कहते जिसको खाने का अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है, इन शॉर्ट रोटी कपड़ा और मकान जिसके पास नहीं है उसे हम गरीब नहीं कहते, बल्कि गरीब उसे कहा जाता है जिसके पास यूट्यूब देखने लायक डाटा तक ना हो, जिसे एक गाना देखना हो यूट्यूब पर उसके पास डाटा ना हो, तो लोग कहते हैं यार बड़ा गरीब है, थोड़ा सा गाना भी देखना रहे तो उसके पास डाटा नहीं होता, इसको उसको हॉटस्पॉट्स मांगते फिरता है। दिलदारी की परिभाषा भी बदल गई है, आजकल लोग रॉयल किसे कहते हैं कि फला बंदा बड़ा रॉयल है। जैसे समझ लीजिए पोम्या भाई, पोम्या नाम ले लेते हैं, पोम्या भाई बड़ा रॉयल है, उसके दोस्त कितने भी रहने दीजिए, उसके साथ 8-10 लोग कितने भी रहने दो, सबको रिचार्ज मार देता है, अगर रिचार्ज पॉसिबल नहीं है तो सबको अपने फोन से हॉटस्पॉट देता है। पोम्या भाई बड़ा रॉयल किस्म का आदमी है। अब तो सुना है पोम्या भाई प्याऊ भी लगाने वाले हैं, प्याऊ बोले तो वो नहीं पानी की, डाटा प्याऊ 24 घंटे गरीबों के लिए खुली रहेंगी, डाटा प्याऊ। पहले पानी की प्याऊ लगती थी, पोम्या भाऊ डाटा प्याऊ लगाने वाले हैं। पोम्या भाऊ का कहना है आपको खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसके मोबाइल में डाटा नहीं रहेगा। पोम्या भाई के डाटा प्याऊ पे सबको डाटा मिलेगा। इसके अलावा पोम्या भाऊ चार्जिंग प्याऊ भी लगाने वाले, आपका कौन सी कंपनी का भी मोबाइल रहने वाला हो, किसी भी शख्स के फोन की बैटरी कभी डाउन नहीं रहनी चाहिए, 2400 घंटे ये चार्जिंग प्याऊ खुली रहेगी। आप जाइए और अपना मोबाइल रिचार्ज कीजिए वहां पर। दोस्तों ऐसे ही नहीं, फिल्मों के डायलॉग भी एक जमाने में कैसे हुआ करते थे और आज कैसे होंगे। फिल्मों के डायलॉग एक जमाने में हुआ करते थे, उस दौर में हीरोइन अमीर होती थी, हीरो गरीब होता था, और हीरोइन का बाप हीरो को कहता था कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह है, जितने पैसे में तुम्हारा पूरा घर चलता है, उतनी मेरी बेटी जेब खर्च करती है, जेब खर्च के लिए मैं उसको उतना पैसा देता हूँ, पॉकेट मनी के लिए उतना पैसा देता हूँ, क्या तुम उतना पैसा उसे दे पाओगे, लाओगे उतना पैसा, कहां से लाओगे। फिर हीरो कहता था कहां से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं दे सकूंगा। आज के जमाने में यदि हीरोइन अमीर है हीरो गरीब है तो हीरोइन का बाप बोल सकता है कि जितना तुम पूरी फैमिली मिलाकर डाटा महीने भर में खर्च करते हो उतना डाटा मेरी बेटी एक दिन में खर्च करती है, कहां से लाओगे इतना डाटा, बताओ है कुछ आइडिया, या सिर्फ जिए और जीने दो कहने से होगा। यही नहीं दोस्तों, भिखारी में भी कुछ इस तरह से मांगेंगे, मार्क जुकरबर्ग के नाम पे दे दे बाबा, स्टीव जॉब्स के नाम पे दे दे बाबा, 15 मिनट का हॉटस्पॉट दे दे बाबा, 4 दिन से स्टेटस अपडेट नहीं किया, 4 दिन से फेसबुक नहीं देखा बाबा, दे दे बाबा तू 15 मिनट हॉटस्पॉट दे दे बाबा, देने वाला तुझे 5 GB डाटा देगा, दे दे 15 मिनट का हॉटस्पॉट दे दे, तेरे हर पोस्ट को लाइक करूंगा बाबा, तेरी हर पोस्ट को फॉरवर्ड करूंगा, इंस्टाग्राम पे तेरे हर फोटो को लाइक दूंगा, दे 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 दे,
इसके अलावा यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी शक्ल उतरी हुई है, आपकी शक्ल थकी थकी सी लग रही है, तो डॉक्टर आपको पूछेंगे क्या इतने में नेट पैक नहीं मारा। ओहो हो, एक काम कीजिए, अब से आगे चार दिन सवेरे उठने के बाद आधा जीबी, सोने के पहले आधा जीबी डाटा नेट पैक मारो, फिर अपनी तबीयत चार दिन बाद मुझे दिखाना। यही नहीं, गरीबी और अमीरी का क्या होता है देखिए, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि अमीरों को यह खलेगा कि जो डाटा सादा कॉमन मैन यूज करता है, जिस नेटवर्क का डाटा कॉमन मैन यूज करता है, उसी का मैं भी यूज करूं? ना 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 ना, फिर महंगा वाला डाटा आएगा, फिर लोग पूछेंगे यार आप कौन सा यूज करते, तो बोलेंगे मैं तुम्हारे वाला यूज नहीं करता भाई, 400 रुपए में 3 महीने, अपना महंगा वाला है, 1000 रुपए में खाली 30 GB डाटा मिलता है, ऊंचे वाला स्टैंडर्ड वाला डाटा यूज करते हुए, इम्पोर्टेड डाटा है तुम्हारे जैसा नहीं, 400 रुपए में 3 महीने डाटा। इस तरह से कई सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी आने वाले वक्त में, काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का स्पीड इतना है कि दुनिया एक भूल भुलैया में तब्दील हो चुकी है, तकरीबन हर चीज ऑनलाइन हो गई है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, दोस्तों के पीठ पर थपथपाना, माँ के पल्लू में छुप जाना, दोस्तों के गले मिलना, या फिर अपना ख्याल अपने आप रखना, ये चीजें दुनिया में कभी ऑनलाइन नहीं होगी, इसके लिए हमें ऑफलाइन ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने घर शहर और आसपास सफाई जो हमको करना है, वो भी कभी ऑनलाइन नहीं होगी दोस्तों, वो भी ऑफलाइन करनी होगी। एक चीज लेकिन आपको ऑनलाइन देखनी है, संडे के संडे RRC डिजिटल प्रस्तुत घोंगड़े की दुनिया कॉमेडी का छोटा रिचार्ज। घोंगड़े की दुनिया, घोंगड़े की दुनिया।